तो हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे रेडमी की K40 सीरीज के बारे में। तो गाइस, जो रेडमी की K40 सीरीज है, ये जो सीरीज होगी वो आपको 17 फरवरी को चाइना में देखने के लिए मिल जाएगी। अभी ऑफिशियल लॉन्च डेट अनाउंस नहीं हुई है, बट लीक्स की माने तो ये 17 फरवरी को चाइना में देखने के लिए मिल जाएगी। और इस सीरीज में आपको 3 स्मार्टफोन्स देखने के लिए मिल सकते हैं, एक रेडमी का K40, K40 प्रो एंड K40 अल्ट्रा भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। अभी जो K40 अल्ट्रा है उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अभी सामने नहीं आई है, बट लीक्स की माने तो आपको 3 स्मार्टफोन्स देखने के लिए मिलेंगे Redmi की K40 सीरीज के अंदर। और तीनों स्मार्टफोन में से आपको एक गेमिंग स्मार्टफोन भी मिलेगा, जिसमें आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएगी। तो गाइस, जो बाकी के 2 स्मार्टफोन है उनमें से आपको एक मिड रेंज मिलेगा और एक आपको फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स देखने के लिए मिलेगा। इस वीडियो में हम सिर्फ Redmi के K40 प्रो के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपको काफी अच्छी स्पेसिफिकेशन मिलने वाली है। और ये आपको Redmi की तरफ से वन ऑफ द बेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन मिलने वाला है, क्योंकि यहां पर आपको काफी अच्छी स्पेसिफिकेशन मिलने वाली है। तो गाइस, लॉन्च से पहले इस स्मार्टफोन की जो स्पेसिफिकेशन है वो पूरी की पूरी लीक होकर आ गई है। जो Redmi का K40 एंड K40 अल्ट्रा है उसके रिलेटेड अभी कोई भी इंफॉर्मेशन सामने नहीं आई है, पर जो Redmi का K40 प्रो है इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो पूरी की पूरी सामने आ चुकी है। तो इससे पता चलता है कि जो Redmi का K40 प्रो है वो काफी अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ आने वाला है। तो आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, इस वीडियो में हम Redmi K40 प्रो के बारे में बात करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम बात कर ले इसके डिस्प्ले के साइज के बारे में। तो जो Redmi का K40 प्रो होगा, इसमें आपको 6.81 इंच के क्वाड HD प्लस वाइड डिस्प्ले मिलेगी। जो आपको डिस्प्ले में होल मिलेगा वो सेंटर में देखने के लिए मिल जाएगा, जैसा आपको Redmi की नोट 9 सीरीज का देखने के लिए मिला था। और उसके साथ ही जो रेजोल्यूशन होगा वो आपको क्वाड HD प्लस देखने के लिए मिल जाएगा। तो जो डिस्प्ले होगी स्मार्टफोन में वो आपको काफी अच्छी मिल जाएगी। और उसके साथ ही इसमें आपको HDR 10 प्लस का सपोर्ट भी मिलेगा और 120 हर्ट्ज तक डिस्प्ले के रिफ्रेश रेट भी मिल जाएंगे। और रही बात इसकी बैटरी की, तो इसमें आपको 5000mAh की एक बड़ी बैटरी मिलेगी, जिसमें आपको 33 वोल्ट तक की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल सकता है, या आपको इससे ऊपर भी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल सकता है। अभी जो इसकी फास्ट चार्जिंग है उसके रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आई है। और रही बात इसके प्रोसेसर की, तो इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 वाला प्रोसेसर मिलेगा, जिसमें आपको 5G का इनबिल्ट सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको जो परफॉर्मेंस होगी वो काफी अच्छी मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो परफॉर्मेंस होगी वो पूरी तरह से आपको फ्लैगशिप देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि ये आपको जो प्रोसेसर है वो क्वालकॉम की तरफ से एक लेटेस्ट प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, जिसमें आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी। और रही बात इसके कैमरास की, तो इसमें आपको जो फ्रंट कैमरा होगा वो 30 मेगापिक्सल का मिलेगा। तो बस 30 मेगापिक्सल का कैमरा मेरे ख्याल से यहाँ पर Redmi ने पहली बार यूज किया है, और Xiaomi की तरफ से आपको ये पहली बार देखने के लिए मिलता है। तो आपको जो सेल्फी कैमरा होगा वो 30 मेगापिक्सल का मिल जाएगा। और उसके साथ ही जो कैमराज हो गए पीछे वाली साइड, वो आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलेगा। जो मेन कैमरा सेंसर होगा वो 108 मेगापिक्सल का होगा, जिसमें आपको सैमसंग का सेंसर मिल जाएगा। 20 मेगापिक्सल का आपको एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलेगा और 15 मेगापिक्सल का आपको एक टेलीफोटो लेंस मिल सकता है, या आपको एक जूम लेंस देखने के लिए मिल सकता है। और 5 मेगापिक्सल का आपको एक मैक्रो सेंसर मिल जाएगा। और ये जो स्मार्टफोन होगा वो MIUI 12 पर रन करेगा, जिसमें आपको एंड्रॉइड 11 का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। और इसमें आपको 12GB रैम और 512GB तक की स्टोरेज ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये जो स्मार्टफोन होगा वो काफी अच्छी रैम एंड स्टोरेज के साथ आएगा। तो गाइस, ये थी कुछ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन Redmi के K40 Pro की। और इसका जो डिजाइन है वो भी आपको काफी ज्यादा अलग देखने के लिए मिलता है, अगर आप बाकी स्मार्टफोन से कंपेयर करोगे जो आपको Redmi की तरफ से देखने के लिए मिलते हैं। तो यहां पर जो आपको डिजाइन होगा वो थोड़ा अलग देखने के लिए मिलेगा। और जो Redmi का K40 है उसका डिजाइन आपको कुछ इस तरह का मिलेगा, और जो Redmi का K40 Pro होगा उसका डिजाइन आपको कुछ इस तरह का मिलेगा। तो डिजाइन वाइज ये जो स्मार्टफोन है वो काफी अलग डिजाइन के साथ आते हैं, बट जो फ्रंट वाला डिजाइन है वो आपको पूरा का पूरा पुराना ही देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको कोई भी न्यू डिजाइन देखने के लिए नहीं मिलता फ्रंट वाली साइड। और रही बात इसके इंडिया लॉन्च की, तो इंडिया में ये जो स्मार्टफोन है ये जल्दी आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो गाइस, आप लेकर चलो कि मार्च या अप्रैल के मंथ में ये जो स्मार्टफोन है वो आपको इंडिया में मिल सकता है, और फरवरी के मंथ में ये जो सीरीज होगी वो आपको चाइना में देखने के लिए मिल जाएगी। और इस सीरीज की जो प्राइस होगी वो आपको काफी कम भी देखने के लिए मिल सकती है। तो गाइस, बताया जा रहा है कि जो Redmi का K40 Pro होगा इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस होगी वो आपको 34,000 से लेकर 35,000 के बीच में मिलेगी, जिसमें आपको काफी अच्छी स्पेसिफिकेशन मिल जाएगी। तो गाइस, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और साथ ही बेल को दबा दीजिए ताकि आप हर वाले अपडेट को मिस ना करें। थैंक यू।